वेलकम है गाइस, अभी है हम रिकमेंडेशन पे भाई। सेक्टर 11 में है ये वाला नया आउटलेट खुला है, दो चार महीने हुए हैं, मेरे को नहीं पता था हमारे यहाँ से कैसे छूट गया आंखों से। अब देखते हैं कैसा है। मैंने सुना इनकी कोल्ड कॉफ़ी बहुत बड़ी है, सबसे पहले वो ट्राई करेंगे और फिर उसके बाद दो तीन छोटी मोटी आइटम्स। आउटलेट है पीछे आप देख सकते हैं, चले सर पैसे में से भाई देने वाले सारे। मैं तो एक रुपया ना दूं, मैं ईएमआई में कन्वर्ट करा दूं, बेशक आपको लेना हो ले लेना, नहीं तो मैं तो भग जाऊंगा। तो पहले आप देख लीजिए कैफे अंदर से कैसा है, देखते हैं रिकमेंडेशन कहां तक जाती है। भाई देखो छोटा है, क्यूट सा है कैफे और मेन्यू बहुत बड़ा है। अब उसमें से हमने तीन चार आइटम सेलेक्ट कर लिए, बाकी देखते हैं एक्चुअल में कैसा निकलता है। कैफे दिखाओ पहले, चलो कैफे दिखाओ पहले, देखो अपनी आंखों से। सीटिंग तो काफ़ी कंफर्टेबल है, ये चीज़ मैंने भी नोटिस की आती। इसको डूडल ग्रेफिटी मिक्स करके कुछ बोल सकते हैं, बाकी लोगों ने काफ़ी सारे अपनी राय आप दे सकते हैं यहाँ से। ये यहाँ पर काफ़ी सारे लिखे हैं, यहाँ भी लिखे हैं। बाकी क्यूट सा छोटा सा कैफे नहीं है ये, 18 से 20 लोग आराम से सीटिंग कर सकते हैं। सीटिंग हाँ, मतलब मैं तो क्यूट सा छोटा खोलूँगा क्योंकि हाँ बंदा बड़ा है ना, थोड़ा लंबा छोड़ा है तो छोटा रहेगा। हमारे ऐसे तो काफी सारे आ जाएंगे आराम से। देखिए फोर का सेट, दो दो का सेट। भाई तो फोर वाले बैठे हैं, दो का हमारा कोई काम नहीं क्योंकि हमारे पास बंदे नहीं है तो हम नहीं लेकर आ रहे उनको। मैं आपके साथ घूम रहा हूँ संडे वाले दिन, इससे बढ़िया क्या ही बात हो सकती है। अगले भाई संडे को हम दोनों का ही होता है प्रो मैच। मैं नहीं कर रहा हूँ, ये इस रिलेशन को ये नाम दे रहे, मैं बिल्कुल नहीं दे रहा। कैफे जितना ही क्यूट मेन्यू भी है, छोटा सा बड़े छोटे से मेन्यू में काफी सारी चीजें हैं। मैंने अब आराम से पॉज करके देख लेना, बाकी अभी बताया क्या क्या है, ऑर्डर क्या क्या दिया भाई। हमने दिए कोल्ड कॉफ़ी जनाब के लिए, हमने करी है हेजलनट लाटे, प्लस हमने करा है फलाफल रैप, हमने और क्या किया है चीज़ सिगार रोल्स, मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, यहाँ के कैसे निकलते हैं वो पता चलेगा। और हमने तीसरी चीज़ क्या करी है भैया, हमने तीसरी चीज़ पनीर चूर पैटी। भैया से भी थोड़ा सा सुन लेते हैं, प्रॉपर आपको एड्रेस है नॉल, बाकी तो सेक्टर 11 में पॉकेट 3 में। भैया आपको बताएंगे आना कैसे है यहाँ पर, थोड़ा बता दीजिए एड्रेस। सेक्टर 11 मेन रोड S3 का 69, मेट्रो स्टेशन नियर बाय रिठाली है। हाँ नियर बाय रिठाली और सामने है परशुराम कॉलेज। ठीक है चलिए ऑर्डर कर दिया है, आने दो बताते हैं खाने का कैसा क्या टेस्ट है। बाकी भाई ये बंदा ना बहुत डिस्टर्ब करता है मेरे को खाने में, देता कभी भी, ये हमेशा मेरे को डिस्टर्ब करते हैं। ऐसे बंदे से बचना हो तो बस कैमरा घुमाना है, सामने बढ़िया टीवी लगी हुई है। एंजॉय कीजिए, मैच चल रहा है, जो भी चल रहा है। किचन हाइजीन वॉशरूम एंड ऑल टॉप नॉच। ये 10-15 सेकंड का आप जो वीडियो देखते हैं ना, क्लिप लाइक करके कमेंट करके निकल लेते हैं, उसके पीछे की मेहनत मैं आपको दिखाता हूँ आज, देख सकते हो। अब लोग क्या पता हम लोग कैसे क्या क्या चीज़ें कर रहे होते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तभी तो BTS मिलेगी इन लोगों को, नहीं तो पता कैसे चलेगा पीछे चल गया रहे। ये सुंदर सी चीज़ बस ये मेहनत करने का और मन करता है जब अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं। ये भी हमारा एक आइटम आ चुका है, क्या आ चुका है, पनीर चूर चूर पैटी। मेरे हिसाब से तो पूरी पैटी को ना ऐसे चूरा चूरा करके उसके अंदर बहुत सारी वेजीज डाल के चीज़ के साथ ब्लेंड करके सॉसेस डाल के इन्होंने बेक करके दिए। अब देख के खाकर बताते हैं ना आपको कैसा है, नहीं तो बोल के काम चले भाई। इतना सुनने के बाद भी अगर कोई बोले और डिटेल में बताओ तो आई एम सॉरी। हाँ ये बंदा ऑलरेडी डिटेल्ड ही है, मैं नहीं बता रहा, मैं बताऊंगा ही नहीं जब तक मेरे को 100 रुपये कोई इन कैश नहीं कर देता। पेटीएम नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए आपको मिलाते हैं पहले जिनका थॉट प्रोसेस, जिनका इस कैफे के पीछे पूरा हाथ है, हाथ क्या पूरा दिमाग है, थोड़ा सा बताइए। मतलब फादर के नाम पे हमने अपने कैफे ये स्टार्ट किया, उनका एक विजन था कि फूड से रिलेटेड कुछ करना है। देन ही पास्ड अवे इन 2019, तो मैंने और मेरे भाई ने मिलके मतलब एक सोचा कि हाँ हम कैफे खोलना है। तो उसके लिए मैं खुद भी फूड में रहता हूँ, मतलब सारी रेसिपीज बनाना ट्राई करना, तो इसकी फ्रॉम स्क्रैच मैंने ये पूरा कैफ़े का जो भी है, जो भी आप टेस्ट करोगे, जो भी आप मतलब यहाँ पे खाओगे, वो सब हमने खुद डिज़ाइन किया है। एंड मोस्टली चीज़ें हमारी इन हाउस रहती हैं, सारी सॉसेस बेसिस एंड जितनी भी पैटी है सब हमारी इन हाउस रहती है। तो यू शुड ट्राई। चलो वी शुड ट्राई, नहीं वी तो ट्राई कर ही रहे हैं, बाकी यू शुड ऑल्सो ट्राई। हमारा
कैफे लाटे आ गया है, साथ में क्या क्या आ गया बताइए भाई। पनीर चूर चूर पैटी है, ये हमारी खुद की है, मतलब ये मेरा फ्यूजन है, ठीक है, एंड दैट इज आवर कोल्ड कॉफी, वो आप ट्राई करके बताना कैसी है। चलिए बिल्कुल ट्राई करके आपसे मिलते हैं शॉर्टली। तो पहला ऑर्डर हमारा आ चुका है चूर चूर पनीर पैटी, भाई देखते हैं कैसा क्या टेस्ट है इसका। चीज़ एंड ऑल काफ़ी कुछ डला हुआ है, वैसी लग रही है बट सामने वाले से रिव्यू आया कि अच्छी, टेस्ट काफ़ी अच्छा है। टेस्ट अच्छा होगा अगर आप इसके साथ कोल्ड कॉफ़ी या फिर ऐसा कुछ पीने के लिए ले रहे हैं तो, है कि नहीं, एक सिप भी ले सकते हो आप अपनी कॉफ़ी की वैसे, है ना। बढ़िया बढ़िया, नेक्स्ट आइटम पे चलते, क्या है। मेरे हिसाब से तो टेस्ट अच्छा था, ठीक है, अगर आप इसके साथ कॉफ़ी ले रहे हो। जो फलाफल रैप मैंने किया है वो इन्होंने कहा कि सबसे बेस्ट है, तो वो देखते हैं कैसा होगा। सो एक और आइटम आ गया हमारा, डिस्क्राइब करेंगे मिस्टर हर्ष भाई। इन्होंने ये ना ज़बरदस्ती मेरे को चिकन वाला खिला रहे हैं, हम देखते हैं टेस्ट कैसा है। सही है, बंदे को खाना है तो खाने से पहले टेस्ट कैसे बता सकता है, इतनी गालियाँ पड़ेगी ना कसम से। ये बंदा खाने के आगे सब पूछ जाता है वीडियो बनना है नहीं बनना है, मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बताऊँगा, ये बहुत टेस्टी है, लग गए भी मैं खा लूँ भाई। देखो सिर्फ एक चीज़ का बहुत मेजर टेस्ट था, वो था इनकी जो सॉस बनी हुई है ना, जो मिंट सॉस है उसका मेजर टेस्ट था, बाकी फलाफल थोड़े क्रिस्पी थे, वेजीज फ्रेश थी, रोल्स अच्छे थे, जिसको प्रॉपर मेक्सिकन फूड अच्छा लगता है उसके लिए परफेक्ट है, नहीं तो भाई स्किप कर देना। तो एक और आइटम आ गया हमारा जो कि है सिगार रोल्स, आपको दिखा दें, भाई ने तो कर लिया टेस्ट, देखते हैं क्या रिजल्ट लगेगा इनकी तरफ से। मेरे को तो ठीक ठाक ठीक लगे, आदमी के वैसे ही टेस्ट बढ़ गए हुए, मैं तो क्या ही बोलूं भाई। आज का लास्ट ऑर्डर शेफ रिकमेंडेड पे है इनका, वेज ओवरलोडेड पिज्ज़ा, वेज लोडेड पिज्ज़ा है। बताइए पिज्ज़ा के बारे में कुछ हल्का सा। बेसिकली ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना इसका, ये साइड से आपको लगेगा सॉफ्ट, अच्छा अंदर से ये थिन है, अच्छा ठीक है, और इसमें वेजीज हैं जैसे आपने देखा बनते हैं, और चीज़ हमारी फ्री की, अच्छा फ्री चीज़ है ना, बाकी बता दें टेस्ट करके कैसा क्या। बिल्कुल सॉस कैसी लगी इस पे लगी हुई है ना, फ्रेशनेस और ये सब, सुपर फ्रेश, सुपर फ्रेश। वो बंदे सुने ना, आपने टेस्ट करूँगा बोल के पूरा खा लेते हैं, आपको दिखाता हूँ आज। सो वी आर डन फॉर द डे टुडे, और ऑलमोस्ट रात हो गई जैसा कि आप देख सकते हैं, रात के प्राणी भाई। तो एंड करने के पहले थोड़ी सी राय ले लेते हैं, हमने तीन चार चीज़ें ऑर्डर करी थी, उसके बाद लास्ट में हमने एक इनका वेज लोडेड पिज्ज़ा मंगाया था जो कि अच्छा था, उनका मतलब क्रस्ट जो था वो सॉफ्ट था, थिन था और अच्छा था, इनकी जो मतलब होममेड इनकी खुद की बनाई हुई सॉस थी वो काफ़ी अच्छी थी। हाँ मुँह में डाल दो, क्या जा रहा है कैमरा मेरे पूरे मुँह में आ रहा है, अभी मैं बहुत ज़्यादा खा चुका, कैमरा खाने के मूड में नहीं हुआ भाई। पिज्ज़ा में कोई दिक्कत नहीं थी, बस उसके जो एकदम कोने थे ना वो बहुत थोड़े सॉफ्ट लग रहे थे, मेरे को लगा था अंडर कुक्ड है, बट ओवरऑल पिज्ज़ा भी अच्छा था। यहाँ पर आओ तो इनका आप ऑर्डर कर सकते हो, एक तो आप फलाफल रैप कर सकते हो, फिर दूसरी चीज़ आप जो इनकी ऑर्डर करोगे वो क्या थी हमने पनीर चूर चूर पैटी, ये दो चीज़ें आप ज़रूर ऑर्डर करें। चूर चूर पैटी मैं भी बोलूँगा डिफरेंट एकदम से बढ़िया था, चीज़ी था, ट्राई कर सकते हैं, पिज़्ज़ा तो है ही टॉप नॉच, ठीक है, और प्लस आपकी इनकी कोल्ड कॉफ़ी, जिनको कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है थोड़ी हार्ड जो एकदम से बर्स करे आपके माउथ में जाके, तो वो वाली चीज़ आप ऑर्डर कर सकते हो अच्छे से। कॉफ़ीज दोनों बढ़िया थी, कोल्ड प्लस हॉट दोनों, लाटे हेज़ल नट थी ना दोनों की, आपकी हेज़ल नट थी, मेरी नॉर्मल कोल्ड कॉफ़ी थी जो यहाँ पे नाम आया हुआ था उसका, बाकी तो आप आओ तो हमें ज़रूर बताना, सब्सक्राइब तो कर ही लो, फिर कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, अगर आप आ रहे हो तो हमारी रिकमेंडेशन। बाकी भाई ये बंदा जहाँ भी दिख जाए बिंदास ऑर्डर कर देना,
ऑर्डर खत्म हो जाएगा, बंदे का इंटरेस्ट खत्म नहीं होगा। हाँ लेकिन मैं बिल बिल्कुल नहीं दूंगा, यहाँ का भी मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय टाटा सी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना अपना का रखिए ख्याल, इस बंदे का पीछा नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं घर तक। चलो जी चलें, बाय बाय टाटा सी यू, आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। दफा हो जाओ दफा भाई, कैफे में इतना कुछ खाने के बाद आए हो, बंदा देखो अभी भी लेने में लगा हुआ है। हाँ तो भाई कोक चाहिए, तो इतना सारा ठूस लिया है तो उसको नीचे भी तो उतारना है अब, तो उसके लिए ये तो बनता है भाई पेप्सी। और बाय द वे ये 20 रुपए की आई है, इन्होंने नई पैकिंग निकाली है, 250 ml के साथ 150 ml फ्री। और मैं कोक का प्रमोशन इतने सस्ते में नहीं कर सकते हम लोग। नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ।